अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप लोगों के। मैं खैरियत से हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे। और आज मैं बनाने लगी हूँ ब्रेकफास्ट। मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आए तो लाइक भी किया करें और शेयर भी किया करें और सब्सक्राइब करना ना भूला करें और अपनी दुआओं में मुझे याद रखा करें। और चले शुरू करते हैं ब्रेकफास्ट। और मैंने ये 3 स्लाइस ले लिए हैं ब्रेड के, और इनके जो ये साइड वाले जो ये इनके जो होते हैं ना, साथ वाले जो किनारे हैं ना इनके, ये हमें ये इनकी ज़रूरत नहीं है, ये हमने काट लेने हैं, इनको अलहदा कर लेते हैं। बिल्कुल थोड़े थोड़े काटने हैं, ज़्यादा छोटे नहीं ब्रेड करनी हमने। बिल्कुल ये जो साथ जो बस ये डार्क ब्राउन होते हैं ना साथ किनारे इसके, ये काटने हैं बस। अब हमने 2 एग ले लिए, इसमें हमने 2 टीस्पून चीनी के डालने हैं, वो आपकी मर्जी है, आपने जितना अपना मीठा रखना है। और 2 टेबल स्पून ही हमने मिल्क लेना है, और इनको हमने फेंट लेना है, अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब ये हमने जो 3 पीस लिए ये ब्रेड के, इनको डिप कर लेना है तीनों को इकट्ठे ऐसे। हो चुके हैं ये। अब हमने बटर लगा लिया अपने तवे पे, आप चाहें तो पैन में बना लें, मैंने तवे पे बना रही हूँ। अब ये थोड़े से नीचे से लाइट ब्राउन होंगे तो हम इसकी साइज चेंज करेंगे। अब ये नीचे से लाइट ब्राउन हो गए तो हम इनकी साइज चेंज करते हैं, साथ में बटर और लगा लेती हूँ। प्रेस करना है, आग की फ्लेम जो है ना हम उन्हें लो रखनी है बिल्कुल, ताकि हमारे जो ये स्लाइस है जले ना और अंदर तक पक जाए। अब इनको ऐसे भी बनाना है ना, खा लेते हैं ऐसे करके। ये बहुत जल्दी पक जाता है, इस साइडों को हमने ऐसे पकाना है ताकि हमारा साइडों से कच्चा ना रह जाए। अब हम फिर से इसको थोड़ी देर के लिए, 2 से 3 मिनट के लिए इसको ऐसे प्रेस करेंगे ताकि हमारा जो एग लगा है ना वो भी अंदर से पक जाए, कच्चा कच्चा ना रह जाए। प्रेस कर लें इसको, ये अब हम इसके ऊपर हनी लगाएंगे और इसके साथ ब्रश के साथ इसको प्रेस कर लेंगे पूरे पे, पूरे स्लाइस पे। इसी तरह दूसरी साइड पे भी लगा लेंगे। हाँ, दोनों साइडों पे हनी लग गई है और हमारा ये अब स्लाइस बिल्कुल रेडी है। और ये इसको अब करते हैं, अब ये देखें अंदर से अंदर तक ये पक चुका है, अब ये हमारा स्लाइस रेडी है। अल्लाह हाफिज़।